वो गाना सुना है आपने, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। ये जो गाना है ये लिखा है फैज़ अहमद फैज़ साहब ने। आपने कई सारे कमेंट किए कि हमें फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में किताबें बताइए, उनके बारे में बताइए, उनकी किताबों के बारे में बताइए। तो आज मैं आपके हुक्म पर लेकर आया हूँ सारे सुकन हमारे हैं बाय फैज़ अहमद फैज़ साहब। इस किताब की बहुत ही प्यारी खासियत है। एक खासियत तो ये है कि इस किताब के अंदर उनकी जितनी भी किताबें थी उनके अंदर का जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो इस किताब के अंदर शामिल है। इस किताब का नाम है सारे सुकन हमारे हैं, जिसे फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखा है और छापा है इसे राजकमल प्रकाशन ने। कीमत बता देता हूँ उसकी, 795 रुपये, तकरीबन 800 की है, लेकिन जब ऑफ़र्स वगैरह चलते हैं तो आपको इस सस्ते में मिल जाती है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी जो किताबें हैं नक्शे फरियादी है, जैसे दस्ते सबा है या फिर आखिर शब है, जिंदा नामा है, और उनकी किताबें हैं बहुत सारी किताबें हैं, हालांकि उनकी गुबारे अय्याम, फरमाइश है, उन किताबों के अंदर जितना भी उनका कंटेंट था, जितनी भी उनकी नज़में थी, गज़लें थी, वो सभी का जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो इस किताब के अंदर संकलित किया गया है। इस किताब की एक और खासियत ये है कि अभी तक उनकी फैज़ अहमद फैज़ साहब की जो भी नज़में थी और गज़लें थी जो कि प्रकाशित नहीं हुई थी वो भी इस किताब के अंदर छापी गई है, वो भी इस किताब के अंदर प्रकाशित की गई है। तो ये काफ़ी मैंने बुकमार्क लगा रखा है, मैं आपको कुछ बताता हूँ शायद मैंने, हाँ देखिए इसके अंदर कुछ मैं दो लाइनें आपको सुना देता हूँ, उसके बाद में आगे की बात करेंगे कि हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत तो काफ़ी करते हैं लेकिन उनका जो वजीफ़ा होता है या फिर कह लीजिए उनके जो मेहनत करने का पारिश्रमिक होता है वो उनको नहीं मिल पाता है, तो मायूस होकर वो कहते हैं, हालांकि ये उसके लिए नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने आपको कह रहा हूँ, हालांकि ये किसी और वे में कहा गया होगा कि हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हमने इतनी मेहनत करी कि हमने एक खेत नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि हम देखेंगे वाली गज़ल भी इसके अंदर शामिल है। बहरहाल फैज़ साहब काफ़ी शानदार लिखते थे और इस ये किताब किनको पढ़नी चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप शायरी की दुनिया में नए नए आए हैं तो आप इस किताब को हाथ भी मत लगाइएगा। जी हाँ, अगर आप शायरियाँ पढ़ना चाहते हैं, पोइट्री को अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूँ जो बिगिनर्स के लिए हैं, शुरुआत करने वालों के लिए है। क्या आप शायरी को पढ़ना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो कहाँ से आप उन किताबों को ख़रीद सकते हो और कैसे खरीद सकते हो और कैसे पढ़ सकते हैं, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं मैं फिर बता देता हूँ कि निदा फाजली, बशीर भद्र, कुमार विश्वास, मनोज मुंतशिर, इन लोगों का आप थोड़ा पढ़ लीजिए। आप इनको थोड़ा पढ़ेंगे तब आप गालिब, मीर और फैज़ अहमद फैज़ और अहमद फराज तक पहुँच पाएंगे। अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे इससे पहले वालों को तो ये किताब आपको समझने में बड़ी मुश्किलात आएगी क्योंकि इसमें शब्द ही वैसे हैं। आप ये सोचोगे कि मैं आपको डरा रहा हूँ तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो उर्दू का जो तर्जुमा किया हुआ है वो थोड़ा सा मुश्किल है। बहरहाल इसके नीचे जो है आपको अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो इसके नीचे हिंदी के माने दिए हुए हैं, जो ऊपर लिखा हुआ जो उर्दू का जो कठिन शब्द है उसका माने नीचे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा ध्यान से चीज़ों को लीजिएगा। हालाँकि कई सारी चीज़ें हैं तो मैं आपको कुछ सुनाता हूँ इसके अंदर से, एक गज़ल वगैरह सुनाता हूँ, उसके बाद मैं इस किताब की लिंक वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फैज़ अहमद सैफ़ की काफ़ी अच्छी किताब है, अगर आप अलग अलग किताबों को ना ख़रीदते हैं तो ये किताब आपकी काफ़ी मदद करेगी फैज़ साहब को समझने के लिए। फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक जादूनामा किताब है जावेद अख्तर साहब की, उसके अंदर ना फैज़ अहमद फैज़ साहब और जावेद साहब का एक वाकया है, बड़ा ही कमाल वाकया है। अगर आप उस वाकये को सुनना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ छोटा सा, दिल लल्लन टॉप के अंदर जावेद अख्तर साहब गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के अंदर आए हुए हैं, उन्होंने एक वाकया शेयर किया है। क्योंकि अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे, हालांकि वो किताब भी पढ़ सकते हैं आप, उसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, लेकिन वो किताब जो है वो थोड़ी सी मुश्किल, मतलब मुश्किल तो क्या है, काफ़ी अच्छी किताब है लेकिन वो थोड़ी सी महंगी है। अगर आप एक नए रीडर हैं
तो पढ़ने में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वो 2000 रुपये की किताब है, हर कोई परचेज़ नहीं कर सकता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आप परचेज़ नहीं कर सकते, लेकिन कोई नए नए रीडर है या फिर स्टूडेंट है तो उनकी पॉकेट मनी उनको इजाज़त नहीं देती, तो आप उस इंटरव्यू को एक बार सुनिएगा। उसके अंदर फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में उन्होंने एक पूरा का पूरा एक वाक्या सुनाया है। मैं उस वाक्ये को सुनकर बहुत देर तक हंसा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बहरहाल आपको जैसा कि हुक्म था कि इस किताब के बारे में बताया जाए, तो मैंने इस किताब के बारे में बताया। इसके अंदर से एक नज़्म या गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ और इस वीडियो को विराम देता है। जैसे कि एक गज़ल है कि हर हकीकत मजाज हो जाए, मजाज यानी ब्रह्म, कि हर हकीकत मजाज हो जाए, काफिरों की नमाज हो जाए, दिल रहने नियाज हो जाए, बेकसी कारा साज हो जाए, मिन्नते चार साज कौन करे, दर्द जब जानवाज हो जाए, इश्क दिल में रहे तो रुस्वा हो, लब पे आए तो राज हो जाए, लुफ्त का इंतज़ार करता हूँ, जोर ता हद नाज हो जाए, उम्र बेसुध कट रही है फैज़, उम्र बेसुध कट रही है फैज़, काश अशफाए राज हो जाए। अशफाए राज का मतलब होता है कि रहस्यों का उद्घाटन। मैंने पहले ही कहा था आपको कि अगर आप नए नए पढ़ने वाले हैं उर्दू को तो इस किताब को हाथ भी मत लगाइएगा। शब्दों का चयन बड़ा ही, हालांकि फैज़ साहब शब्दों का चयन बड़े ही शानदार रूप से करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो थोड़ा सा भारी है, तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा अचरज महसूस हो सकती है। बहरहाल ये इस किताब का एक छोटा सा रिव्यू था, जिसके बारे में मैंने रिव्यू तो क्या था, मैंने आपको बताया कि इस किताब के अंदर उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट शामिल है, सभी किताबों के में से संकलित किया हुआ है। इसका संकलन किसने किया है मैं आपको उनका भी नाम बता देता हूँ, शायद अगर किसी ने संकलन किया हो तो बेहतर। हाँ, इनका संपादन किया है अब्दुल बिस्मिल्लाह ने, कोई होंगे शायद, माफ़ करिएगा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन कोई अब्दुल बिस्मिल्लाह संपादक है इनके, इन्होंने सारी जो है उनका संपादन किया है। राजकमल पब्लिकेशन इसको छापा है, 795 मतलब कि 800 रुपये कीमत है, लेकिन ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो 500-450 के तकरीबन में शायद मिल जाती होगी, मैंने कितने में खरीदी मुझे पता नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।